प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? पिछली वीडियो में हमने आपको प पदेन की मात्रा पढ़ाई। पदेन की मात्रा किस प्रकार से लिखते हैं, पदेन की मात्रा किस प्रकार से पढ़ते हैं, हमने कल आपको वीडियो में यह सिखाया था। आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आपको पदेन की मात्रा से बनने वाले शब्दों के से बनने वाले वाक्य सिखा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आपको उसके लिए क्या तैयारी करनी है? पदेन की मात्रा थोड़ी कठिन है, तो आपको उसके लिए बार बार अभ्यास करना है, बार बार कॉपी में लिखना है, बोलना है और लिखना है। ठीक है, तो हमारे साथ साथ भी बोलते जाना है। आज हमको क्या तैयारी करनी है? हमारी बुक लेकर बैठना है, अमृता स्वर ज्ञान पेज नंबर 49 से आज हम पदेन की मात्रा के नए शब्द पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग तैयार है अपनी बुक अमृता स्वर ज्ञान के साथ हमारे साथ साथ पढ़ने के लिए? कोई भी चीज कठिन जब होती है, जब हम उसे कठिन समझते हैं। किसी भी चीज को कठिन नहीं समझना, क्योंकि अभ्यास करने से कठिन काम भी हो जाता है। तो आप हमारे साथ साथ अभ्यास करेंगे, तैयार हैं आप हमारे साथ अभ्यास करने के लिए? आपको अभ्यास करेंगे हम और हम पदेन की मात्रा भी हमें याद हो जाएगी। तो हम अपनी बुक लेकर बैठेंगे अमृता स्वर ज्ञान पेज नंबर 49। ठीक है, चलिए भ के साथ पदेन की मात्रा, तो इसे पढ़ेंगे भ्र म भ्रम। भ्रम मत कर, वाक्य हमारा कह रहा है भ्रम मत कर। भ्रम मतलब शक मत कर, भ्रम मत कर किसी चीज में। ठीक है, भ्रम मत कर। ट ट के नीचे पदेन की मात्रा ट्रक, ट्रक। पर बैठ जा, भ्रम मत कर, ट्रक पर बैठ जा। ये हमारा वाक्य है, आपको हमारे साथ बोलना है। भ्रम मत कर, ट्रक पर बैठ जा। ठीक है, अगली पंक्ति हमारी क्रिकेट। क्रिकेट हम सब खेलते हैं ना, क क के नीचे पदेन की मात्रा है और छठी ई की भी मात्रा है, तो इसे पढ़ेंगे क्री, क्रिकेट। क्रिकेट हम खेलते हैं ना बैट बॉल से, क्रिकेट। की गेंद ला, गेंद मतलब बॉल, तो क्रिकेट की गेंद ला, वाक्य हमारा कह रहा है क्रिकेट की गेंद ला। बोलेंगे हमारे साथ साथ ट्रेन, ट्रेन रेलगाड़ी। ठीक है, बैठते हैं हम रेलगाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए। ठीक है, तो ट्रेन सभी ने देखी है, ट्रेन में बैठ कर यात्रा कर। यात्रा मतलब सफर कर, एक जगह से दूसरी जगह जाने को यात्रा कहते हैं। ठीक है बच्चों, ट्रेन में बैठ कर यात्रा कर। शुरू से पढ़ेंगे हम, भ्रम मत कर, ट्रक में ट्रक पर बैठ जा, क्रिकेट की गेंद ला, ट्रेन में बैठ कर यात्रा कर। आ रहा है आपको समझ में? भ्रम, ट्रक, क्रिकेट, ट्रेन, ट्र, इस प्रकार से बोलते हैं। र, र को व्यंजन के साथ लगा के जल्दी से बोलते हैं, ट्र, प्र, क्र। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए, अपनी कॉपी में त्रिभुज बना। त्रिभुज मतलब ट्राइंगल, ट्राइंगल हम बनाते हैं ना मैथ्स में, एंगल बनाते ना हम, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल। तो ये क्या कह रहा है वाक्य हमारा? त्रिभुज, त्रिभुज मतलब ट्राइंगल। ठीक है, अपनी कॉपी में त्रिभुज बना। त्रिभुज भी पदेन की मात्रा का शब्द है, और ट्राइंगल भी हम अगर हिंदी में लिखेंगे तो वो भी पदेन की, ट्रा, ट, ट में पदेन की मात्रा, तो ट्रा हो जाएगा ट्राइंगल। ठीक है, अपनी कॉपी में त्रिभुज बना। ठीक है, कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम, अभी हमने कहा था मेहनत, परिश्रम मतलब मेहनत करना, कठिन परिश्रम कर। कठिन परिश्रम करना मतलब बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, बार बार अभ्यास करना। ठीक है, कठिन परिश्रम कर। आज ब्राह्मण, ब्राप में पदेन की मात्रा, ब्राह्मण ह हलंत लगा हुआ है क्योंकि ह आधा अक्षर है। ब्राह्मण का व्रत है। ठीक
ठीक है, व्रत रखते हैं ना, सोमवार का व्रत, शनिवार का व्रत, इस प्रकार से मम्मी जो व्रत रखती है, फास्ट रखती है, वो इस प्रकार से लिखा जाता है, व्रत है। हमारे साथ पढ़े, आज ब्राह्मण का व्रत है, आज ब्राह्मण का व्रत है, कठिन परिश्रम कर, आज ब्राह्मण का व्रत है। आ रहा है समझ में? हमारे साथ साथ बोलते जाएंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, वह प पविपदेन की माता को क्या पढ़ेंगे, इसे प्रचार, प्रचार करने गया, वह प्रचार करने गया। प्रचार मतलब किसी भी चीज को लोगों तक पहुंचाना, प्रचार करना। ठीक है, जैसे चुनाव का प्रचार करते हैं, चुनाव में कौन खड़ा हुआ है उसका हम प्रचार करते हैं, बताते हैं कि ये खड़ा हुआ है, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो प्रचार करना। ठीक है, वह प्रचार करने गया। प्रमोद, प्रमोद, प्रमोद मेरा भ्राता है। भ भमे पदेन की मात्रा और आ की मात्रा, भ्राता, भ्राता मतलब भाई, प्रमोद नाम है। ठीक है, प्रमोद मेरा भ्राता है, प्रमोद मेरा भाई है। ठीक है, प्रज्ञान ये भी नाम है, प्रज्ञान एक ड्राइवर, ड्राइवर, ड्रा डमे पदेन की मात्रा तो और आ की मात्रा मिलके पढ़ेंगे हम, ड्रा, ड्राइवर, प्रज्ञान एक ड्राइवर है। आ रहा है आपको समझ में? आज क्रिसमस है, क्रिसमस का के नीचे पदेन की मात्रा और छोटी ई की मात्रा, तो इसे क्या पढ़ेंगे, क्री, स, म, स, क्रिसमस, आज क्रिसमस है। क्रिसमस कब आता है, दिसंबर में, 25 दिसंबर को। ठीक है, यीशु मसीह का जन्मदिन, हम कैसे मनाते हैं उसे, क्रिसमस के रूप में। ठीक है, आज क्रिसमस है, हमारे स्कूल में भी क्रिसमस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, चर्च को बहुत ही ज्यादा सजाया जाता है, आप लोग आते हैं क्रिसमस में, केक बांटा जाता है। ठीक है, हमारे स्कूल में भी क्रिसमस बहुत अच्छे से मनाया जाता है, जानते हैं ना आप। चलिए, जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप स्कूल में क्रिसमस मनाने जरूर आए। ठीक है, चलिए हम शुरू से पढ़ेंगे, भ्रम मत कर, बोलते जाए हमारे साथ साथ, ट्रक पर बैठ जा, क्रिकेट की गेंद ला, ट्रेन में बैठ कर यात्रा कर, अपनी कॉपी में त्रिभुज बना, कठिन परिश्रम कर, आज ब्राह्मण का व्रत है, वह प्रचार करने गया, प्रमोद मेरा भ्राता है, प्रज्ञान एक ड्राइवर है, आज क्रिसमस है। आपको क्या करना है, इसे पढ़ने का बार बार अभ्यास करना है। अब इस पाठ में से हम कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ साथ प्रश्नों के उत्तर देंगे। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको इस पाठ में से जितने भी पदेन की मात्रा के शब्द है वो आपको याद करना है, जैसे भ्रम, ट्रक, क्रिकेट, ट्रेन, यात्रा, त्रिभुज, परिश्रम, ब्राह्मण, व्रत, प्रचार, प्रमोद, भ्राता, प्रज्ञान, ड्राइवर, क्रिसमस। इसमें जितने भी पदेन की मात्रा के शब्द है वो हमें अच्छे से याद करना है, तो हम प्रश्न उत्तर भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न हमारा होगा, ट्रेन में बैठकर क्या कर, तो ट्रेन में बैठकर यात्रा कर, अपनी कॉपी में क्या बना, अपनी कॉपी में त्रिभुज बना। ठीक है, वह कहां गया, वह प्रचार करने गया। ठीक है, प्रमोद मेरा क्या है, प्रमोद मेरा भ्राता है, इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। आज क्या है, आज क्रिसमस है, आज कौन सा दिन है, आज
क्रिसमस का दिन है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको प्रश्न उत्तर का अभ्यास कराएंगे और इसी पाठ की अभ्यास प्रश्नावली भी हल करवाएंगे। जब तक आपको क्या करना है, इन शब्दों को लिखना है कॉपी में और इनको बार बार बोलकर और लिखकर इनका अभ्यास करना है, ठीक है बच्चों। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक अपना ध्यान रखें, बाय।